हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ एसे को डिस्कस करूंगी। अ विजिट टू एन एग्जीबिशन और अ ट्रेड फेयर, यानी कि किसी मेले का दौरा या किसी भी व्यापारी मेले का दौरा। लास्ट संडे आई वेंट टू सी एन एग्जीबिशन नेम्ड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। यहाँ बोला है बच्चों कि पिछले रविवार को मैंने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नाम की एक प्रदर्शनी देखी थी। प्रदर्शनी मतलब जहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। इट वॉज हेल्ड एट प्रगति मैदान, इसे प्रगति मैदान में लगाया गया था। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने, तो इन्हें इंडस्ट्रीज द्वारा इसे आयोजित किया गया था या ऑर्गेनाइज। देयर वेयर लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की काफ़ी भीड़ थी। दे वर इन देयर केयर ड्रेसेस, सभी लोग अपने अपने परिधान में थे, जिसे हम वस्त्र भी कहते हैं। इट लुक लाइक अ बिग फेयर, ये एक बड़े मैदान सा दिख रहा था। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट हैड सेट अप देयर पेविलियंस, पेविलियंस मतलब जो मंडप, यानी कि हर स्टेट के लोगों ने अलग अलग सेक्शन वहाँ पर लगा रखे थे। आर्टिकल मेड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज वे डिस्प्लेड देयर, अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उन्होंने भी वहाँ पर अपने सामान को ऑर्गेनाइज किया था, अपने सामान को उन्होंने भी डिस्प्ले किया था, दिखाया था। देयर वेयर हैंडीक्राफ्ट, हॉजरी एंड रेडीमेड गारमेंट्स, स्पोर्ट गुड्स, प्लास्टिक टॉयज एक्सेट्रा। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से मीन्स की जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, होजरी थी और कुछ बने बनाए हुए गारमेंट्स थे, खेल से रिलेटेड सामान थे, प्लास्टिक टॉय थे और एक्सेट्रा, यानी कि और भी। यहाँ बोला गया है बच्चों, देयर वॉज अ ग्रेट रश एट द स्टॉल सेलिंग ईटेबल, खाने पीने की दुकानों पर काफ़ी भीड़ थी। अप्पू घर वॉज अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द चिल्ड्रन, अप्पू घर जो था वो बच्चों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। आई हैड अ हैप्पी टाइम दियर, मैंने यहाँ अच्छे टाइम को अपने बिताया था। इट शो डेट रूरल अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब बच्चों डेवलप, कैन मेक इंडिया डेवलप कंट्री। तो यहाँ से पता चला कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भारत को एक विकसित देश बना सकता है, एक डेवलप देश। इसके बाद बच्चों कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स पता होने चाहिए। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ट्रेड मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्था की, वर्ड डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित या डिस्प्ले करना, प्रदर्शित किए गए, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, रूलर मतलब ग्रामीण, ग्रामीण मतलब बच्चों गांव क्षेत्र या गांव, उपलिफ्ट मतलब उत्थान यानी कि विकास, पेविलियंस मतलब मंडप यानी कि सेक्शन। तो यहाँ से डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं कंप्लीट, जो आप लोगों को पता होने चाहिए।